हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। और आप सबको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरी तरह। ऐसा मौसम देख लो कितना सनी सा हो रखा है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो मेरे को लगा आज भी बारिश होगी, ठंडा मौसम होगा। पर कोई बात नहीं, गाइस पहाड़ों का जो मौसम है ना, मानसून सीजन चल रहा है जो कि मेरा फेवरेट सीजन है। तो गाइस वीडियो पे बने रहना एंड तक स्किप मत करना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको अपकमिंग एक्सट्रीम वीडियोस मिलती रहेगी जल्दी। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि हम जा रहे हैं तारकेश्वर, तो मिलते हैं फिर। गाइस आई एम बैक फ्रॉम जिम और पसीना पसीना सा हो रखा है। और मैंने यहाँ देखो गिम्बल पैक कर लिया, ये मेरा गिम्बल ये पैक हो गया, कैमरा रेडी है। और गाइस अब मेरी फैमिली फ्रेंड प्रीति को भी लेने जाना है और भैलो की कॉल आई थी अभी, वो भी रास्ते पे, वो भी निकल चुके हैं। तब तक मुझे भी फ्रेश होना है, चेंज करना है, फिर हम भी निकलते हैं सफर के लिए। ठीक है, बने रहना वीडियो पे एंड तक, मिलते हैं फिर। तो वी स्टार्टेड अवर जर्नी एंड हमने गुरुद्वारा क्रॉस किया ही था कि एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्रेशफुल। और बस ऐसे ही तो मौसम चाहिए था हमें, आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो लेट्स गो। आगे लेंजॉन फिर ताड़केश्वर, और रुकने का तो बहुत मन था जगह जगह में, पर गाइस नहीं रुक सकते क्योंकि डेंजर अलर्ट है। आगे आगे जा जल्दी जाना है, जल्दी वापस भी आना है। तो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर खारा के लिए रुके हैं, खाली बोतल है मेरे पास। हम अभी लेंस डाउन के थोड़ा नीचे रुक रखे हैं। गाइस यहाँ का व्यू तो देखो जरा, नीचे है यहाँ पे, कितना मस्त लग रहा है। और गाइस मेरे हाथ में एक ऐसा कैमरा आ रखा है ना, उसको देख कितना मज़ा आ रहा है, आगे भी और पीछे भी, दोनों कैमरा एक साथ चल सकते हैं। बाल भी जर्जरे हो गए शैम्पू करने के बाद भी। वैसे मेरे बाल अच्छे हैं ना भैया, कैसे भी लगा लो पर मेरे बाल बड़े मस्त है यार। दिखाओ के बालू से। मौसम भी ऊपर ख़राब हो रहा है काफ़ी, और हम ना निकलते हैं आगे के लिए, फिर वापस भी आना है। और सुना है यहाँ पे बाघ का भी डर लग रहा है लंच जोन की रोड पे, तो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। गाइस मेरे पीछे देखो मौसम कितना जल्दी चेंज हुआ, इतनी जल्दी चेंज ना, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और गाइस इतना मज़ा आ रहा है ना, नीचे देखो, नीचे एक कोने में नीचे देखो, यहाँ पे धूप है और यहाँ पे बादल है। यही तो खासियत है गाइस यार मौसम की, मतलब मेरे को मानसून राइडिंग इसीलिए पसंद है कि एक दिन में तुम कई मौसम फील कर सकते हो गाइस, पूरा बारिश, धूप, हवा और ऊपर से पहाड़ों पर गाइस इतनी जन्नत है ना, इतनी जन्नत। अरे है ये लगे हुए हैं भाई लोग, ये वाले टाइम लैप्स बना रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, टाइम लैप्स ही तो बोला मैंने, टाइम लैप्स लैप्स बोला मैंने, वो सुना नहीं आपने शायद, टाइम मोर कर देंगे अब हम इसको। तो गाइस हम मौसम को फील करते हैं और कुछ आप लोग भी करो, टाइम लैप्स बनाते हैं आप लोग के लिए और आप सी वो एंजॉय करो। देखो कितना मस्त लोकेशन गाइज। हम थोड़ा रुक रखे नीचे, देख रहे हो गाइज खाई की तरह, ऊपर से धूप और धूप के साथ साथ गाइज देखो कोहरा भी नजर आ रहा है साथ साथ में। और मेरे साथ जो हीरोइन आ रखी है गाइज, उसको देखो, ये है रियल ट्रैकर, ये हो चुकी है घायल आते आते। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, इसे सिर घूम गया गाइज, मुंडर हो गया ऐसे, मुंडर अच्छी पड़ रही है मुँह पे, मतलब जो नीचे चटकदार लगती है ना वो नहीं है, पर वो वाली धूप है जो ना। नीचे का व्यू देखो गाइस, नीचे कोहरा खाई जन्नत। गाइस तब तक हम कुछ शॉर्ट्स लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद मिलते हैं। तब तक आप शॉर्ट्स एंजॉय करो और हम मौसम एंजॉय करते हैं।
गाइस हम पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी कर दी है पार्क। भाई यहाँ से नीचे जाना है, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं पर कोई बात नहीं, हो गया हमारा सफ़र ताड़केश्वर का। प्रसाद हमने पहले ही ले लिया था रास्ते में और अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप मंदिर के शॉट्स इंजॉय करो। रास्ते स्टार्ट हो चुका है और यहाँ आप देख रहे हो पीछे इतना घना जंगल है। गाइस यहाँ पे देखो तालाब सा है, शायद स्विमिंग पूल बना रखा है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। आगे है तालाब जहाँ पे हम कॉइन फेंकते हैं ना, यहाँ पे काई काई जम रखी है। और ये रहा वो तालाब, देखो कितने सारे कॉइन्स ही कॉइन्स पड़ रखे हैं अंदर। आपको बैक कैमरे से दिखाऊं जरा कोई सके, और ये लोगों ने कॉइन्स फेंक रखे हैं यहाँ पे, देखते हैं ना कितना दम है। जरा इसका पोज तो देखो निकालने का, जरा साइड एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है जो ताड़केश्वर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ना है। यहाँ पे ये मंदिर जो है इतना प्रसिद्ध है, 15 सालों से ये मंदिर बन रखा है। और ये मंदिर कोई ताड़केश्वर नाम के बाबा थे, उनके नाम पर है ये मंदिर। वो पता है क्या करते थे, वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने मतलब हमेशा उनके हाथों में, एक हाथों में त्रिशूल एक हाथों में वो डमरू ले घूमते फिरते थे। और उन यहाँ पे जो भी उल्टे काम करता था, लाइक जैसे गाय को मार दिया या कोई उल्टे फुलटे काम करते रहे अन्य आते थे तो उन्हें ना घूरते थे इतने सेंस की डांटना हो गया तो ताकि वो सुधर जाए। तो उस बाबा की वजह से ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी शॉर्ट्स ले रहे हैं, बस लेट हो चुका है हमें काफी, पर धूप है अभी, मौसम है, निकल लेंगे टाइम पे तो ठीक है। नॉन स्टॉप सीधा, थोड़ा भूख लग रही है, खा कर नहीं आ रखे तो कुछ खाएंगे उसके बाद सीधा निकलेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। चलो तब मिलते हैं गाइस। दर्शन हो गए, शांति मिल गई, माइंड फ्रेश हो गया गाइस, मज़ा आ गया है। मंदिर में आ गए सबके सब, हम ऊपर जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं सीधा सीधा घर के लिए। गाइस देखो हमारे मुंह के सामने हिरण, और मैंने इसकी वीडियो बनाई पर मेरा दिमाग ऐसा है ना, मतलब पता नहीं कहाँ चला गया है, मुंह बेचारे नीचे भाग गया और मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी गाइस, मिस कर दिया। पर ये यही हमारे मुँह के सामने खड़े थे, दो जहाँ हिरन होते हैं वहाँ बाघ होते हैं, तो आसपास होगा। तो हम निकल रहे हैं जल्दी से, मेरे को थक लग गई सुबह से गाड़ी चलाते चलाते, भैया को पकड़ा दिया गाड़ी मैंने। गाइस कोल्ड ड्रिंक ले रखी है, कुछ चिप्स ले रखे हैं, पर लोग बता रहे कोई डेंजर नहीं, बिंदास होके जाओ। थैंक्स अ लॉट प्रीति, ऐसी हमारी खातिरदारी करते हो, खिलाते हो हमें, एक तुम्हारा बड़ी खुशी है आपने खिलाया। गाइस देखो नीचे का व्यू देखो गाइस, हे आंखें सेक लेते हैं जरा 2 मिनट के लिए यहाँ पे, मतलब हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जाएंगे कहीं नहीं रुकेंगे पर रुक जा रहे हैं, नज़ारा रोक दे रहा है। सुबह यहाँ पे फॉग लगा था गाइस, ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ी खाई है यहाँ से नीचे को, हम नहीं रुकना चाह रहे थे पर गाइस घर नहीं पहुँचेंगे अगर हम ऐसे रुकते रहे इनको देखते रहे तो, इसलिए एक ही बार में आंखें सेक लो। नीचे का व्यू तो देखो गाइस, आहा गाइस अभी पता क्या हुआ, प्रीति ने यहाँ पे क्या टक टक, भैया लोग डर के भाग गए। नो 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 आई एम टेलिंग, ये खाई है ना तो आवाज गूंज रही है यहाँ पे, तेज भागे भैया लोग उतरे फिर। सो गाइस थोड़ा सा रुके हम, कहाँ रुके भैया, लेंस डाउन में थोड़ा सा रुके हैं, तो लेंस डाउन के थोड़ा नीचे रुके हैं क्योंकि यहाँ प्रीति की तबीयत खराब हो चुकी है क्योंकि उसको हवा लग गई है, अंधेरा भी होते जा रहा है, रास्ते में आगे खतरा भी है, देखते हैं क्या करते हैं, होप सो टाइम पे पहुँच जाए, सेफ पहुँच जाए। डिस्कशन हो रहा है कि करना है क्या है इसे, साफ सीधी बात है कि तू ध्यान ही मत दे, अगर तेरे को दिमाग में बैठा रहेगा तो हाँ मेरी तबीयत खराब है और तबीयत खराब है तो और होगी तबीयत खराब। गाइस हम इसको जबरदस्ती हेलमेट पहना रहे हैं, हवा लग चुकी है इसे, अपने सिर नहीं बचा रही है, देरी ना करते हैं निकले हम। चलो भैया चलो हम गाइस, इतना लंबा ट्रैफिक क्यों है, आगे तक चलो चलो आगे तक चलो ना, देखते तो हैं हुआ क्या है, हाथी है आगे पीछे बाघ
आगे आती भागने दो भाई साहब, कोई आग जला दो ना, पीछे बाग है। हाँ गाड़ी के आगे हो गया तो हमारे घुस गए, पीछे बाग मिला, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पीछे बाग देखा हमने, आगे हाथी ने इतना लंबा ट्रैफिक लगा दिया है, मेरी तो फटी पड़ी है गाइस। बस हवा निकल गई। परसों मैंने पौड़ी जाते हुए मुख के सामने देखा हाथी, सॉरी बाघ, और अभी यूं देखा। खैर सुबह का टाइम पे तो इतना डर नहीं लगता, पर रात का टाइम है गाइस, अंधेरा हो चुका है और काफ़ी टाइम से हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं। इतना लंबा ट्रैफिक, यहाँ पर दूसरी आवाज़ आ रही है हाथी, मेरे पास में मत रहो, सीधा इधर से ना आ जाए, क्योंकि हाथी अलग अलग जगह पर रहते हैं, पता है ना आपको, फंस जाएंगे हम बुरी तरीके से। अच्छे यहाँ पे बैम्बू ट्रीज है ना, तब जाके वो इधर आ रखे हैं, अगर आया होगा तो झुंड में आए होंगे खाने के लिए। अब वो एक दो घंटा लगाएंगे खाने में, तब जाएंगे ऊपर या नीचे। ये बोरा 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 आगे लो भैया, अरे बोरा ऊपर से नीचे ना आ जाए, दिख रहे ज़्यादा ऊपर नहीं गया गाइस बाघ, सॉरी हाथी, मेरे मुँह मैंने बाघ देखा था, मेरे मुँह पे बाघ बाघ आ रहा है। अंकल ध्यान से जाना, ऊपर बाघ भी है, देवी मंदिर के आगे थोड़ा सा बाघ भी है, ध्यान से जाना। हाँ अरे नहीं, वो लड़की के साथ है ना, तो सेफ्टी बना के चलनी चाहिए ना, अंकल को बोलना चाहिए था कि रुको मत, गाड़ियों के साथ जाना, सेफ्टी बना के जाना। ये क्यों मुड़ रहे हैं? ओ शिट गाइस, ये गाड़ी मोड़ रही है, क्या हो गया? वो लोग कहाँ गए भैया? लोग आगे भी है भैया, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फूड पर और कुछ खाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे भैया हमें ना मून की फ़ोटो दिखा रहे हैं, अभी दोबारा ऐसे दिखेगा ना, दिखेगा मेरी तो फट गई साफ सी दीवार। गाइस सच किसकी नहीं फटेगी यार, जाकर मुंह के सामने बाघ आ जाएगा ना, वो तो सडन भैया ने बोला कि यार देखो क्या गया, जब मैंने ऐसे करके देखा वो अभी ऐसे करके देख रहा था मुझे, भाई साहब मुझे लगा जैसे लोमड़ी ऐसी आ गई, भैया बोल रहे लोमड़ी, मैंने बोला भैया ये बाघ है, लोमड़ी कहाँ से दिख रहा है। और उसके बाद गाइस सामना हुआ गणेश जी से, इतना लंबा ट्रैफिक की हम ना आगे जा रहे जा पा रहे थे ना, पीछे ट्रैफिक में फंस गए, और हमारे यूं हाथी। उसके बाद कोटद्वार में, अब तो हमें भूख लगी है, खाते हैं कुछ, फिर उसके बाद तो गाइस हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, खाना खा रहे हैं, आ चुके हैं हम कोटद्वार में, बहुत अच्छा दिन रहा, और मेरी टीम है जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है, बहुत साथ दिया इस ब्लॉग पे, तो इनको भी थैंक यू और आप सबको भी थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, और ये सारा प्यार देना, और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी है, और भाई ये जरूर बता देना कि कमी कहाँ आई है, और रिव्यू देना कि अगली बार जो हम वीडियो बनाएं उसमें चेंजेस ला सकते हैं और अच्छी करके बनाएं उसको, ये जरूर बताना। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी रहेगी तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे एक हम क्या रखेंगे भैया, और ये भी बताना हम किस लोकेशन को विजिट करें और हमें कहाँ जाना चाहिए, कमेंट में बताना है ये सब आपको। मैंने सोचा तो था गाइस कि हम ऊपर ही खाएंगे, पर हमारे पास टाइम नहीं था, मौसम भी खराब था, तो ऐसा हुआ कि हमारा वहाँ खाने का नहीं बना, जहाँ मेरा मन था कि आलू के पराठे बहुत टेस्टी, कोटद्वार में नींबू चौर की साइड है और हम खा रहे पनीर, हमारे यहाँ का बहुत फेवरेट है। मिलते हैं फिर, बाय बाय।